बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। तो दर्शाइए कि EF समांतर है QR के। तो हमें ये दिखाना है कि EF समांतर है। देखो आपको ये समझना है, हमें समांतर दिखाना है। तो थेल्स परी में क्या है कि अगर समांतर है तो समानुपात में होती है, और विलोम क्या कहता है कि अगर समानुपात हो तो समांतर होती है। तो हमें समांतर तक पहुंचने के लिए समानुपात दिखाना पड़ेगा। अब किसकी बात हो रही है, ईएफ और क्यूआर, इनको हमें समांतर दिखाना है, यानी कि हमें एक्चुअल में क्या दिखाना पड़ेगा, अनुपात समान दिखाना पड़ेगा, यानी कि PE बटे में EQ, PE बटे में EQ और PF बटे में FR, PF बटे में FR। अगर हम यहां तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब समानुपात हो गया। और विलोम क्या कहता है, इस परिमेय का विलोम कि अगर समानुपात में है तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, और अगर समांतर होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि एक्चुअल में हमें यहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, इसको यूज करके जो चीज दे रखा है। अब आप देखेंगे कि DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के, त्रिभुज हमारे पास ये बनेगी, कौन सी होगी, POQ। अब लिखेंगे कि त्रिभुज POQ में हमारे पास क्या है, DE समांतर है OQ के, DE समांतर है OQ के। तो हम लिख सकते हैं कि PE बटे में EQ, PE बटे में EQ बराबर है PD बटे में DO, PD बटे में DO। इसको समीकरण एक मान लिया। और ये कैसे मिला हमें, ये हमें मिला क्योंकि समांतर है हमारे पास, तो थेल्स प्रकार, इसी प्रकार दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास DF समांतर है OR के, तो ये ट्रायंगल मिलेगी हमें त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में हमारे पास है कि DF समांतर है OR के, इसलिए हमारे पास त्रिभुज है ना, हमारे पास हम लिख सकते हैं कि PD बटे में DO, PD बटे में DO बराबर है हमारे पास PF बटे में FR, PF बटे में FR। तो ये समीकरण दो हो गए, ये भी हमारे पास थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। अब आप देखेंगे समीकरण एक और दो से, PE बटे में EQ बराबर है PD बटे में DO, यहाँ पे PD बटे में DO बराबर है PF बटे में FR, ये दोनों एक जैसे हैं। तो लिख सकते हैं कि समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे हमारे पास। तो एक और दो से हम लिख सकते हैं कि PE बटे में EQ बराबर है PF बटे में FR। अब देखो हमें कहां तक पहुंचना था, पहुंच गए हम PE बटे में EQ और PF बटे में FR पहुंच गए। अब ये समानुपात में है तो यहां लिख देंगे क्योंकि भुजाएं समानुपात में है इसलिए, अगर ऐसे लिख दो अगली लाइन में, इसलिए सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ, बिल्कुल
सिंपल सी बात है, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर समांतर है तो समानुपात में होंगे, ये थेल्स प्रमेय है, और अगर समानुपात में है तो समांतर होंगे, ये उसका विलोम है। जो चीज गिवन है वो आपको यूज करनी है, जो चीज दे रखी है जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक आंसर तक नहीं पहुंचोगे। जैसे ही आप उसको यूज कर लेते हो और उनके बीच में एक रिलेशन बना लेते हो, आप अपने आप ही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही है। आकृति 6.21 में, 6.21 आकृति है हमारे पास में, क्रमश है OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु, OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC, ABC, A हमारे पास OP पे है, B हमारे पास OQ पे है और C हमारे पास OR पे है। इस प्रकार है कि AB समांतर है PQ के, AB समांतर है PQ के, AC समांतर है PR के, हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के। तो फिर वही बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही है, हमें दिखाना है कि देखो BC, BC समांतर है QR के, QR देखो ये BC और ये QR, तो BC QR, तो ये ट्रायंगल होगी हमारे पास, तो इस ट्रायंगल में हमें समांतर दिखाना है, तो यानी कि समानुपात चाहिए, तो समानुपात क्या बनेगा, ये हो जाएगा OB बटे में, OB बटे में BQ और OC बटे में CR। तो अगर हम यहां पे पहुंच जाए तो हम ये कह देंगे कि थेल्स परिमेय के विलोम द्वारा, क्योंकि समानुपात में है इस वजह से समांतर है, तो हमें यहां पे पहुंचना है। अब देखो यूज क्या करना है, AB समांतर है PQ के, समांतर है PQ के, तो ट्रायंगल ये हो जाएगी हमारे पास, हम लिखेंगे त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में AB समांतर है PQ के, इसलिए OA बटे में AP, OA बटे में AP बराबर है OB बटे में BQ, OB बटे में BQ, समीकरण एक और थेल्स परिमेय द्वारा, तो ये हमने यूज कर लिया। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज के बारे में देखते हैं, एसी समांतर है, एसी समांतर है पीआर के, तो ट्रायंगल हमारे पास ये हो जाएगी, तो त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें क्या है हमारे पास, एसी समांतर है पीआर के, इसलिए POR, POR, तो OA बटे में AP, OA बटे में AP बराबर है हमारे पास OC बटे में, OC बटे में CR, तो ये समीकरण 2 हो गए, ये भी थेल्स परिमेय द्वारा। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में OA बटे में AP, OA बटे में AP, ये दोनों में सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे, हम कह सकते हैं कि OB बटे में BQ बराबर है OC बटे में CR। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें OB बटे में BQ और OC बटे में CR, पहुंच गए OB बटे में BQ और OC बटे में CR, तो हम लिख देंगे क्योंकि समानुपात में होगी, कि थेल्स परमेय के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं कि हमारे पास BC समांतर है किसके, QR के। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको अपने माइंड में सोच सकते हो पूरे के पूरे क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आपको लगेंगे, तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। हमने दोनों ही थ्योरम से रिलेटेड प्रूफ भी किए और एक्टिविटी के माध्यम से भी उसको प्रूफ किया है, तो जितनी जल्दी आप इस थ्योरम से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे तो उतनी जल्दी आप क्वेश्चन को समझना शुरू कर दोगे, उतनी आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।
बच्चों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। दोबारा से एक बार फिर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, 6.1 परिमेय हमारी कौन सी है, आधारभूत समानुपातिकता परिमेय, उसका प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। बच्चे यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है ये हमारे पास क्लास 9 में हम पढ़ चुके हैं। क्लास 9 में हमारे पास चैप्टर 8 में परिमेय 8.10 है। ये तो इस जो कक्षा 9 में हमने ये परिमेय पढ़ा है उसको हम यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता परिमेय के द्वारा एक बार फिर सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं इसमें हमारे पास क्या है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कोई भी एक त्रिभुज आप बना सकते हो। तो हमने ये एक त्रिभुज बना ली एबीसी। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, एक भुजा का मध्य बिंदु हम एबी भुजा का मध्य बिंदु ले लेते हैं डी। एबी भुजा का मध्य बिंदु हम ले लेते हैं डी। यहां पे डी हमने ले लिया। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, का मध्य बिंदु लिया, किसी दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचने तो हम बीसी के समांतर रेखा खींच लेते हैं। ये हमने बीसी के समांतर एक रेखा। हमें सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब ये तीसरी भुजा पे कहीं ना कहीं तो मिलेगी, यहां पे ये हमने रेखा खींच दी जो यहां पे ई बिंदु पे मिलती है। तो इस तरह से आप नोटेशन दे सकते हो या इसको आगे बढ़ा सकते हो दोनों साइड में। अब ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर, देखो हम इसको प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया क्या गया है, दिया गया है क्या है हमारे पास, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें बी भुजा एबी का मध्य बिंदु है। हमें सिद्ध करना है कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो जो ये रेखा खींची गई है ये तीसरी भुजा, यानी कि तीसरी भुजा हमारी ऐसी है, समद्विभाजित करेगी। कब करेगी, डी जब ये और ये बराबर हो। हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर है डी पी, ये और ये बराबर हो गए क्योंकि डी मध्य बिंदु। प्यारे बच्चों जो चीज गिवन है जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो एक तो ये दिया हुआ है कि हमारे पास डी एक भुजा का मध्य बिंदु है, हमारे पास भुजा है ए बी, यानी कि ए डी और डी पी बराबर है। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात इसी प्रकार हमारे पास दूसरी बात क्या दे रखी है कि डी ई समांतर है बीसी के।
रूप में क्या हुआ, ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी। दो चीजें हमारे पास गिवन थी, हमने दोनों को यूज कर दिया। ये किस बेस पे लगाया हमने, ठीक इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से ही है हमारे पास। ये भी हमने कक्षा 9 में 8वें चैप्टर में थ्योरम के रूप में पढ़ा है, 8.9 थ्योरम पढ़ते हैं इसको। परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, परिमेय 6.2 यानी के थेल्स परिमेय का विलोम, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब हमें परिमेय 6.2 का प्रयोग करना है। परिमेय 6.2 हमारा क्या है, थेल्स परिमेय का विलोम। अब थेल्स परिमेय और उसके विलोम को ध्यान रखने के लिए आप ये ध्यान रखो कि अगर समांतर है तो समानुपात है, ये तो है थेल्स थ्योरम। और अगर समानुपात है तो है समांतर, ये तो है थेल्स परिमेय और ये है थेल्स परिमेय का विलोम। हमें ये यूज करना है, समानुपात से समांतर पर पहुंचना है। अब देखो क्या कहा उसने कि परिमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो समांतर कब होगी, जब अनुपात समान होगा। तो हमें अनुपात समान निकालना है। अब पहले में तो देखो किस तरह से करेंगे, हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है हमारे पास, एक त्रिभुज। एक बार स्टेटमेंट को और अच्छी तरह समझने के लिए पढ़ लेते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज तो भी हमने त्रिभुज बना ली एबीसी, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एबी का मध्य बिंदु डी ले लिया और ए सी का मध्य बिंदु ए ले लिया। तो मिला इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, इससे जो रेखा मिलेगी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। पॉइंट तो फिर भी यही रहेंगे, तो हम शॉर्ट में इसको यहां से
तीसरी भुजा के समांतर होती है, हमें यह सिद्ध करना है। तो हमें हमारे पास दिया गया है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें डी और ई कर्णश है, भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है, आपने ये बता दिया कि डी ए बी का और ई ए सी का मध्य बिंदु है। अब हमें सिद्ध करना है, कि तीसरी भुजा यानी कि डी ई समांतर है किसके, बी सी के। तो ये सिद्ध करना है कैसे, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। ये क्या कहते हैं कि समानुपात में है तो समांतर होगी, तो हमें सिर्फ क्या करना है अनुपात समान दिखाना है। अब देखो जो दिया हुआ वही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ए डी बटे में डी बी क्या होगा, या फिर पहले आप लिख लो AD और DB बराबर होंगे ना, AD और DB दोनों आपस में बराबर होंगे। हमें क्या चाहिए, हमें समांतर दिखाना है, समांतर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अनुपात बराबर दिखाना पड़ेगा। तो AD और DB का अनुपात निकालते हैं, इससे हमें क्या मिलेगा AD बटे में DB, क्योंकि दोनों बराबर है, 5/5, 10/10, 15/15 कितना आ जाएगा 1, इसको समीकरण 1 मान। इसी प्रकार ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है, ई अगर एसी का मध्य बिंदु है तो एई और ईसी बराबर होंगे, एई और ईसी बराबर होंगे। यहां से हम कह सकते हैं कि एई बटे में ईसी ये भी कितना होगा 1, को हमने समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 और 2 से, एक समीकरण भी 1 के बराबर है, 2 समीकरण भी 1 के बराबर है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है कि AD बटे में DB बराबर है AE बटे में EC। अब देखो त्रिभुज ABC में डी और ई बिंदु है वो भुजा ए बी और ए सी को इससे जो हमें अनुपात मिला वो बराबर मिला, तो हम यहां लिख सकते हैं क्योंकि अनुपात बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं का अनुपात समान है, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा हम कह सकते हैं कि DE समांतर है किसके, BC के। और ये हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो हमारा रिजल्ट आ गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव। तो फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक जैसे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक ही टाइप के क्वेश्चन है, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी एक ही टाइप के क्वेश्चन है, जो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।